यू you नो know, आप खुद इंडस्ट्री का हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप अपनी बात पूरी तरह से रखते हैं ब्लंड रख, एकदम ब्लंड तरीके से रखते हैं जो आपको लगता है आप वो कह देते हैं जो माहौल इस वक्त चल रहा है इंडस्ट्री में उड़ता पंजाब को लेकर अब रिसेंटली फिल्म भी लीक हो जाती है एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर कैंपेन यू नो द इवेंट इज माइंड ब्लोइंग वॉट यू डूइंग इज बट बींग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री आपको क्या लगता है जिस तरह की जिस तरह का पूरा का पूरा ये एपिसोड चला है कहीं ना कहीं यू नो फ्रीडम एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगी और अब फिल्म ही लीक हो गई आपका सवाल क्या है पहली बात तो ये है कि ये सेंसर बोर्ड नहीं है इसका नाम सर्टिफिकेशन बोर्ड है और जो आ, उनको उनका उनका मकसद है कि लोगों को वो आ, पहले बता दें कि इस उम्र से ज्यादा या इस उम्र से कम लोग इस फिल्म को ना देखें उनका काम सेंसरशिप का नहीं है सर्टिफिकेशन का काम है और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है और ऐसा हो गया है तो इसके ये मुद्दा उस बारे में सॉल्व हो गया है जहाँ तक कि और और जहाँ तक कि कंटेंट की बात है मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ तो इंटरनेट पे वैसे भी अवेलेबल है सभी को तो उसको आप किसी से छुपा नहीं सकते हैं आप उसको सिर्फ सर्टिफिकेशन ही दे सकते हैं और दूसरी बात जो इंटरनेट पर लीक है वो भी फिल्म अगर आप उसको सेंसर भी कर देते तो कहीं ना कहीं घूम के इंटरनेट पे आ ही जाती इंटरनेट पे फिल्म आना ये कोई पहली फिल्म इंटरनेट पे नहीं आई है बहुत सारी फिल्म ऐसे प्लेजराइज होती हैं उसको पायरेसी बोलते हैं और आई एम अगेंस्ट पायरेसी बिकॉज पायरेसी ये जो पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके पेट पे, पे लात है आप प्लीज़ कंप्यूटर पे डाउनलोड करके फिल्में ना देखें फिल्में अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उनको सिनेमा घर में जाके देखें